कैसे हैं? आवाज आ रही है? आज पहले से बेटर है, मतलब अभी तक जितने भी दिन थे उनसे आज बेटर है। मतलब उम्मीद है कल परसों मैं और अच्छी हो जाऊंगी, है ना? कल तो मैंने पीडीएफ पहले अपलोड कर दी थी, एक बार चेक करो। मैं तो पहले ही पीडीएफ अपलोड कर दी थी कल। कल पढ़ाने के तुरंत बाद मैंने पीडीएफ अपलोड की थी। हाँ चलो ठीक है, 2 सेकंड देना मेरे को, पढ़ना शुरू करते हैं। आज एक नए टॉपिक पे मूव करेंगे। कल झील किसने किसने पढ़ा था एक बार मुझे बताओ, झील किसने किसने पढ़ा है? यार आज नाश्ता नहीं किया मैंने, उसके कारण वीकनेस हो रही है। पता नहीं क्या पुलाव उलाव ले आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है पुलाव से। मेरा तो दिमाग सड़ जाता है पुलाव देख के। बच्चे मेरे सोच रहे होंगे इस दिमाग कैसे सड़ता है भाई। सुबह से कौन बासी भात खाता है भाई बताओ? गांव में ये कहते हैं ना उसको, बासी भात खाना, बस यही बासी भात है। अरे ब्रेकफास्ट में बासी भात आया था यार। कई बार ना जो हॉट वाटर होता है ये मैं जानबूझ के नहीं पीती हूँ, पता चले मेरे को किसी ने बोला था छोटे में कि गर्म पानी पीने से शरीर पतला होता है। हम बोले तो हम ऑलरेडी पतले हैं, पता चले कि कुछ एक आध महीना पी लिए तो विलुप्त होने के कगार में पहुंच जाएंगे। मैंने बोल रखा अपने बच्चों को, जिस दिन मैं तुम लोग को दिखना बंद हो जाऊं और मेरी खाली आवाज आए तो मान लेना कि मेरे को यूनेस्को की रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया है ना? ऐसा करके मेरे को बड़ा डर लगता है मोटे मतलब पतले होने से, तो मैं डरती रहती हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा चावल खाती हूँ। चलो वो सारी चीजें ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? तो आज हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन की, एकदम अलग लेवल का रिवॉल्यूशन फैलाएंगे। हॉट वाटर मेटाबॉलिज्म सही रहता है। अरे इतनी भूख लगती है हमको कहाँ बता, लेकिन खाना ही था, हमारा मुंह सड़ गया इस टाइम पे। कहते शरीर के साथ मुंह भी सड़ गया है कि जैसे कुछ खाने बैठो कड़वा लगना शुरू हो जाता है। हम भी चावल बहुत खाते हैं। अरे भाई 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 जो चावल खाता है वो मेरा भाई, ठीक है? हाँ तो अपन सब भाई भाई हैं, ठीक है? हाँ तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? फिर इसको पढ़ाने के बाद चावल खाएंगे, ठीक है? पीसीआर 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 सर, यहाँ का कनेक्शन आ गया आ गया आ गया। हाँ अच्छा ठीक है पिंटू, जो आ गया आपकी, चलो भाई पढ़ते हैं। हाँ
देखो, तो यहाँ पे हम रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है? रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन में हमें भारत की जितनी भी अलग अलग क्रांतियाँ हुई हैं ना, क्रांतियों पे बात करेंगे। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये किससे किससे रिलेट करता है ना? तो अरे, हिंदी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ये है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में परेशान मत होइए। तो इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा गायब करती हूँ, आप लोग का जो कंटेंट है वो छुप जाएगा, और बैठ के मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी। हाँ देखो, तो यहाँ पे ना हमें हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा झेलना पड़ता है कि ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है आपके। राउंड रिवॉल्यूशन है, ठीक है, आपका जो रेनबो रिवॉल्यूशन है, किसे किसे रिलेट करता है। तो हर चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे। तो हर एक रिवॉल्यूशन को यहाँ पर लिखा गया है, आगे आप देखेंगे कि उन रिवॉल्यूशन को किसने जनरेट किया, या फिर उन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किसने किया, उनको भी देखेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन देखो मैं, और बहुत केयरफुल होके पढ़ना, क्योंकि मैं किसी से कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? और लास्ट में मैं, जैसे सारे रिवॉल्यूशन खत्म होंगे वैसे मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगी, है ना? हाँ देखो, सबसे पहला रिवॉल्यूशन है आपका, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन पे अगर आए, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिलेशन किससे है, तो ये है आपके ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर के। किस चीज को लेकर के? ग्रेन प्रोडक्शन को। वीडियो रुक रही है, अभी भी रुक रही है, सबकी वीडियो रुक रही है। सबकी वीडियो रुक रही है, अब सिर्फ आपकी वीडियो रुक रही है? बच्चों एक बार कंफर्म कर दो। नो, एक काम करिएगा, जिनकी भी वीडियो थोड़ी बहुत रुके वो रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? हाँ, रीज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर इशू होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, जिनको भी वीडियो रुके वो रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? हाँ ओके, हेलो जी एवरीवन, हेलो। देखो, सबसे पहला है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में अगर बात की जाए, तो ये किस चीज़ से रिलेट करता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेट करता है आपके ग्रीन प्रोडक्शन को, ठीक है, ग्रीन प्रोडक्शन को। इसे हम हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हरित क्रांति की अगर बात करें, तो हरित क्रांति किसने शुरू की थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे? तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपके नॉर्मन बोरलॉग का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है? उनके पे उन उनके उनकी बात करें तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहे जाते हैं, है ना? इनको, इनका नाम ध्यान रखना। इसके अलावा वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें, एमडी में मध्य प्रदेश से हो, है ना? अगर वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें, तो ये रिलेट करता है आपकी मिल्क प्रोडक्शन को। और जब भी रिवॉल्यूशन याद करना हो, सिर्फ दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो रिवॉल्यूशन और किससे रिलेशन है वो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे, जल्दी तेज़ी से हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रेन प्रोडक्शन, वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि दुग्ध उत्पादन की एरिया को बढ़ाने के लिए हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया था, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है? हाँ जी, इसके अलावा येलो रिवॉल्यूशन, जिसे हम पीली क्रांति कहते हैं। पीली क्रांति की अगर बात करें, तो ये आपके खाद्य तेल, जो ऐसे एडिबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, खाद्य तेल, तिलहन फसलों, ठीक है? हाँ जी, एडिबल ऑयल, और जो ऑयल सीड क्रॉप होते हैं ना, जिनसे ऐसे क्रॉप जिनसे हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा ज़्यादा करने के लिए हमने आपके येलो रिवॉल्यूशन को शुरू किया, ठीक है? हाँ जी, तो एडिबल ऑयल, ये आपका एडिबल ऑयल है, मतलब कि खाद्य तेल, और आपका तिलहन फसलों, जिन्हें हम ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं, उनके लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया? ये आपका येलो रिवॉल्यूशन। अगर ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें, तो ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था आपके, क्या हुआ सुजीत?
यार ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है। सर पीसीआर, सर आवाज नहीं जा रही बच्चों को, कनेक्शन थोड़ा सा लग रहा खराब हो रहा है ना। मैं एक्चुअली समझ में नहीं आती है, मेरी क्लास में मेरी क्लास पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। आप लोग दूसरे लोगों की क्लास पूछने ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। मुझसे हर तीसरा बच्चा यही पूछ रहा होता है कि फलाने वाले सर की क्लास कब होगी, ये वाले सर की क्लास कब होगी। अगर यही सारी क्लासेस लेनी तो आप उन क्लासेस में जाके पूछा करो सर आपकी क्लास कब होती है, नोटिफिकेशन भी आता होगा। मुझसे क्यों पूछते हो कब कब कौन सी क्लास होगी। मैंने टाइम टेबल लेके रखना है कि सारा दिन भर में सबसे पहले मैं टाइम टेबल बताऊंगी, ये वाले सर की क्लास ये होगी, ये वाले सर की क्लास ये होगी। अगली बार से पूछना मत मेरे से। बच्चों को ना आवाज और इसमें दोनों में दिक्कत है, कनेक्शन कनेक्शन कहीं से थोड़ा सा डाउन हो रहा है। एक तो ये कर्सल, वही तो समझ में नहीं आता है। हाँ ठीक है। हाँ तो अभी तक हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, तो फटाफट पढ़ने में किसी का फोकस ही रहता है। मतलब कुछ ही ऐसे तीन चार लोग हैं जो खाली बकवास मारने आते हैं, उनको मतलब ही नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। कुछ कमी निकालेंगे, कुछ खाली टाइम पास करेंगे, कुछ खाली ये बोलने आते हैं कि हमको साउंड नहीं आ रहा, हमको वीडियो नहीं दिख रही है, बस यही करते रहे ना, टाइम पास कर लो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जो जाना है आप ही लोग का होगा। विकास रीज्वाइन कर लो ठीक है। हाँ जी, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने देखा ग्रीन प्रोडक्शन को लेकर के है, ठीक है, आपके ग्रीन प्रोडक्शन को लेकर के है, ठीक है, ये रही बात। हमने फिर देखा व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिनको भी दिक्कत हो रिज्वाइन कर लेना, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। अगर हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के है। अगर हमने येलो रिवॉल्यूशन की बात की थी तो येलो रिवॉल्यूशन आपके एडिबल ऑयल, ठीक है, आपके एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर के, या फिर जो ऑयल सीड होती है ना, ऑयल सीड जिन्हें हम तिलहन फसलें कहते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाने या फिर उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसको शुरू किया है हमने, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ब्लू रिवॉल्यूशन। तो अगर ब्लू ब्लू की बात करें, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन हम लोग आसानी से वो कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू का मतलब वाटर से है, ठीक है। हाँ जी, आज ब्लू है पानी, पानी तो वाटर से है, तो वाटर में क्या होता है, मछलियाँ होती हैं, है ना, आपके मोती होते हैं, सीव्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए हमने ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू किया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन में आपके फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, मेजरली फिश प्रोडक्शन को या फिर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लास्ट में सब पूछूंगी, देख लेना। आगे देखो, अगला है आपका पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो पिंक रिवॉल्यूशन दो चीजों को रिलेट करता है, पहला है आपका प्याज और दूसरा है झींगा मछली। एक है ऑनियन और दूसरा आपका आपका क्या कहते हैं, लोबस्टर्स, ठीक है, जो भी है। तो प्याज और झींगा मछली, इन दोनों का रिलेशन किससे होगा, पिंक रिवॉल्यूशन से होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, मैम पिंक रिवॉल्यूशन में तो आपकी झींगा मछली अलग अलग कलर की भी होती है, कुछ तो एकदम सतरंगी हो जाती है, तो झींगा मछली ऐसी जो पिंक कलर की नहीं, नदियों में पाई जाती है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने, लोकल जो झींगे होते हैं उनके प्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये प्याज और आपकी झींगा मछली किससे है, आपके पिंक रिवॉल्यूशन मतलब कि गुलाबी क्रांति से। ऐसे अगर ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें तो कैसे पूछेगा, अभी बताती हूँ, पहले पढ़ लो थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन बताऊंगी, है ना, क्वेश्चन बताऊंगी, रुक जाओ।
तो इसमें अगर ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें तो ब्लैक रिवॉल्यूशन में पेट्रोलियम, खनिज तेल इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इनडायरेक्टली ये ब्लैक रिवॉल्यूशन आया था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, क्या कहते हैं, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम मिनरल ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, इसके लिए हमने क्या शुरू किया है, आपके ब्लैक रिवॉल्यूशन। यहाँ तक ठीक है? अभी तक हमने करीबन ये 6-7 रिवॉल्यूशन पढ़े हैं, उनको देखिए। इसके बाद आपके जो मेजर रिवॉल्यूशन है, जहाँ से इस टाइम पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइम पे क्वेश्चन आता है, पढ़ाई मन नहीं लगता सुबह, तुरंत निकल लो, है ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको। कल भी ये कमेंट कर रहे थे ना कि मम पढ़ाई मन नहीं लगता, सीधे निकल लो, पढ़ते क्यों हो यार, जबरदस्ती फीस क्यों दे रहे हो। पापा को बोलो पापा मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, मेरे को छोड़ दो, मतलब मेरे को जो करना है मैं करूंगा, शांति से खाऊंगा, पढ़ूंगा, पढ़े रहूंगा, ठीक है, छोड़ दो पढ़ाई, बढ़िया है, पढ़ाई मन नहीं लगता, काहे का क्या करने मन लगता है। जब एक टाइम होगा ना, जब पढ़ने की उम्र बीत जाएगी, उस टाइम सोचोगे कि यार पढ़ लेता तो जिंदगी सुधर जाती। तो दोबारा ये कमेंट मेरे पास मत करना, मेरे को निराश लोगों से बिल्कुल ना पसंद है मुझे ऐसे लोग, पढ़ाई मन नहीं लगता, मत पढ़ो, हटो यहाँ से, बढ़िया है, पढ़ाई मन नहीं लगता। तो ये है आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन। यहाँ पे हमने ब्लैक रिवॉल्यूशन में पेट्रोलियम को लेना है, सिर्फ तीन चीज आते हैं, पेट्रोलियम आती है, आपका जो खनिज तेल आता है, ठीक है, खनिज तेल आता है, उसके बाद आता है आपका क्या, एथेनॉल, ठीक है, आपका एथेनॉल, ये तीन चीजें आती हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन से। कर सर दिमाग खराब किया रहता है। हाँ ठीक है, हाँ जी, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन से तीन चीजें याद रखनी है, पेट्रोलियम, खनिज तेल और आपका एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ये हो गया आपका तीन चीजें। अभी हम सारी चीजें रिवाइज करेंगे, इसलिए मैंने कहा था बहुत शांति से एकदम फोकस होके देखो, मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, है ना, और इस बीच में जो भी उठपटांग कमेंट करते हैं उनकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, बाद में बोलेंगे नहीं समझ में आया, रेटिंग खराब करना है, जो करना है कर लेना, लेकिन मैं अब पढ़ाने में ही फोकस करूंगी, जिसको जहां पे जो देखना है देखते रहे। तो है, ये रही बात। आगे देखो, आगे अगर रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो आगे कुछ ऐसे रिवॉल्यूशन है जो आपको पहली बार सुनने मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन में अगर देखें तो यहाँ पे टारगेट किया जाता है फर्टिलाइजर को, ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर को टारगेट करता है, फर्टिलाइजर मतलब कि उर्वरक जो कि किसान इस्तेमाल करते हैं, है ना, किसान इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर में आपके क्या क्या चीजें आती हैं, यूरिया, डीएपी, ये सब कुछ, है ना। एथेनॉल का मतलब क्या होता है, एथेनॉल एक तरीके से अल्कोहल का एक छोटा रूप है, ठीक है, हाँ जी, एक तरीके से अल्कोहल का एक छोटा रूप है, जिसे हम शुद्ध अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, जो लोग ड्रिंक करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स की जाती हैं, लेकिन एथेनॉल वो शुद्ध अल्कोहल कहलाता है, उससे अलग-अलग जो हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें उपयोग किया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगाने से पहले एथेनॉल लेता है और वहाँ पे सफाई करता है, उसे आपकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी मानी जाती है, उससे आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाती है, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल वो होता है। एथेनॉल को हम फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, और इसी एथेनॉल को इसी एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए हमारे बिहार गवर्नमेंट ने सभी किसानों को कहा है कि आप 100% मक्के का उपयोग करिए, ठीक है, मक्के के प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए, इसको ध्यान रखना, है ना, ये रही बात। अगर आप लोग की इच्छा हो तो थोड़ी देर कमेंट रोक दो, मेरे को केयर की जरूरत नहीं है सुमित, आप अपनी केयर करिए, है ना, थोड़ी देर एकदम से कमेंट रोक दो, अगर आप चाहते हो मैं शांति से पढ़ा लूं, मैं गुस्सा ना करूं, प्लीज कमेंट रोक दो, मैं जब बोलूंगी तब कमेंट करना। अमृता एक बार रीज्वाइन कर लो आप,
बंद है यार, ये पता नहीं क्यों ऐसे ओपन होके आता है। तो एक बार शुरू से देखो, आधा दिमाग तो ऐसे ही वो हो जाता है। देखो अब हम पढ़े, हमने शुरुआत की थी आपके रिवॉल्यूशन से, ठीक है, कि हम भारत में कौन कौन सी फेमस क्रांतियां हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं। तो रिवॉल्यूशन में हमने सबसे पहले जो क्रांति पढ़ी थी वो थी आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है भारत में ग्रीन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं, खाद्यान्न पदार्थ या फिर खाद्यान्न फसलें, इसमें गेहूं चावल जो जो भी चीजें हैं, जो भी हम खा सकते हैं, ऐसे अनाज जिन्हें हम उगाते हैं खाने के लिए, वो सारे अनाज किसके अंदर आते हैं? आपके ग्रीन प्रोडक्शन के अंदर। इसमें स्पेशली फोकस किया गया था गेहूं के उत्पादन को, ठीक है, आपके ग्रीन प्रोडक्शन को ज्यादा ज्यादा फोकस करना इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो ये है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये दूसरा था। व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमने मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था, ठीक है, डेयरी फॉर्म हमने ओपन करना शुरू किए थे। उसके बाद हमने गायों को पालना, जिनसे ऐसे पशु जो कि दूध को बढ़ावा, दूध प्रोडक्शन या फिर दूध देते हैं, जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, इनको हमने पालने की शुरुआत की और ज्यादा ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है। इसके बाद आती है आपका येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन में हमने इडिबल ऑयल पे फोकस किया, इडिबल ऑयल के साथ जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया। साफ नहीं दिख रहा अमृता, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप रीज्वाइन कर लें, ठीक है, रीज्वाइन कर लें। हाँ, सबको दिक्कत है, नहीं दिख रहा है, एकदम से वीडियो बंद है। अब इनको कृषि का मतलब नहीं पड़ता है। अगर आपको कृषि का भी मतलब नहीं पता ना, आप पढ़ने के लायक ही नहीं है। एक काम करिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, है हाँ ना। पापा से एक बार जाके पूछो, पापा मेरे को कृषि तक का मतलब नहीं पता है, प्लीज मुझे बताओ। तो पापा बोलेंगे बेटा तेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं, निकल लो यहाँ से, है हाँ ना। कृषि का मतलब नहीं पता इनको, कैसे जी रहे हो यार, मतलब KG 1 KG 2 इनमें कुछ नहीं पढ़ा था, कृषि का मतलब इनको बताना है। कभी कभी तो फील होता है बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इनके चक्कर सारी क्लास बर्बाद हो जाती है। सर वीडियो क्वालिटी दिक्कत कर रही है। हेलो PCR, तो अलग लापरवाही है। नहीं, आप फॉरेन से लगता है पढ़े हैं, अमेरिका में जन्म लिए हैं, इनको कृषि का नहीं मतलब, फॉर्मर क्या होते हैं उनको ये नहीं मतलब। मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है, अभी कोई भी बंदा आया, मतलब कि कोई भी आएंगे वो ठीक करेंगे इसको, है ना, अगर वीडियो क्लियर नहीं जा रही है तो। ना ठीक है। हाँ, तो ये हमने अभी तक देखा। तो येलो रिवॉल्यूशन में आपके एडिबल ऑयल और ऑयल सीड क्रॉप आते हैं। इसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें, ब्लू रिवॉल्यूशन में जो आपकी फिश होती हैं, ठीक है, फिश होती हैं, फिश प्रोडक्शन को हम हाई करते हैं, फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं आपके ब्लू रिवॉल्यूशन में, ठीक है। एक तरीके से मछली जल की रानी है, और जल कैसा है? नीला, ठीक है, ऐसा, तो इस पर फोकस करना। इसके बाद हम आते हैं पिंक रिवॉल्यूशन में।
पिंक रिवॉल्यूशन में आपके दो चीजें आती हैं, पहला है प्याज और दूसरा है झींगा मछली। ठीक है, पहला है प्याज, दूसरा है झींगा मछली। तो प्याज और झींगा मछली किसके अंदर आएंगे? आपके पिंक रिवॉल्यूशन के, क्योंकि ये दिखते हुए पिंक है थोड़े से। ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें, यही सबसे ज्यादा कॉमन है, जो कि भूल जाता है हमेशा। अगर इसमें देखें तो ब्लैक रिवॉल्यूशन में आपका पेट्रोलियम, खनिज तेल और आपका एथेनॉल। ठीक है, पेट्रोलियम, खनिज तेल और एथेनॉल, ये तीन चीजें हैं जिनको हमें फोकस में रखना है आपके ब्लैक रिवॉल्यूशन में। क्योंकि पेट्रोलियम भी जब पेट्रोलियम के फॉर्म में आता है, पेट्रोलियम जब अपने पेट्रोलियम कुओं से निकाले जाते हैं, ठीक है, हाँ जी, जो कि समुद्र के नीचे होते हैं, वहां से जब इसे निकाला जाता है तो ये ब्लैक फॉर्म में ही होता है। हमें पेट्रोल बाद में बहुत ज्यादा सिंथेटिक फॉर्म में मिलता है पेट्रोल। ठीक है, तो उस टाइम पे पेट्रोल काले कलर का ही होता है। तो पेट्रोलियम ब्लैक, खनिज तेल ब्लैक और इथेनॉल ब्लैक। ठीक है, बाद में इन्हें सिंथेसाइज करके हमारे पास लाते हैं, तो इनका जो कलर है वो हमको दूसरे दूसरे फॉर्म में दिखता है। ठीक है, ये रही बात। तो ये आपके ब्लैक रिवॉल्यूशन। उसके बाद अगर बात करें तो ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन में आपके जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर्स आपके जितने भी किसान वगैरह हैं जो खेत खेती करते हैं, उनके क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाता है, लाइक यूरिया, डीएपी, है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा, वीडियो नहीं दिख रही, सुन लो मेरी बात, है ना, खाली सुन लो मेरी बात। हाँ, राइट हैंड के ऑप्शन में मैं जाऊं, 10 मिनट एक बच्चे पे मैं इन्वेस्ट करूं और पढ़ाऊं ना एक को, है ना, सिर्फ यही चाहते हो, हैंड रेस कर दे, आप सिर्फ बच्चों का टाइम पास कर दें। साउंड भी क्लियर नहीं आ रही, खुशबू मैं क्या करूं? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ यार, मुझे लगता है कि 1 घंटे की क्लास में अगर मैं खाली 30 मिनट बच्चों से बात ही करते रहूंगी, मैं क्या पढ़ाऊंगी? और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो खाली टाइम पास करेंगे, है ना। हैंड रेस बाद में लेंगे, उसमें मेरे को, मैंने कई बार देखा है हैंड रेस में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है। उसमें मैं जाती हूँ, बच्चे को मैं 10 मिनट देती हूँ, मतलब 10 मिनट के लिए उसको ऑन करो, तो पहले वो 3 सेकंड लेगा है उसको साफ करने में, है ना, अपनी तरफ से उसको लाइन क्लियर करने में। उसके बाद फिर वो कुछ बोलेगा, 30 सेकंड बाद यहाँ पर आवाज आएगी, उसके बाद मैं आंसर दूंगी, 30 सेकंड बाद वहां तक जाएगी। मतलब खाली टाइम पास होता है उसमें और कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा तो आप मैसेज कर दे, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगी। हाँ, ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रे रिवॉल्यूशन का डायरेक्टली मतलब है आपके फर्टिलाइजर से। ठीक है, तो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमने आपकी ग्रे रिवॉल्यूशन शुरू किया है। अगर सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें, जिसको हम रजत क्रांति कहते हैं, रजत क्रांति में आता है आपका एग का प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, एक है आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में आता है आपका मिल्क, वहीं आपके सिल्वर, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन में आता है आपका एग। ठीक है, एग, तो दोनों पे थोड़ा सा फोकस करना। और सिल्वर रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो की थी इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने, भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन का जो जनक है वो कहा जाता है आपके इंदिरा गांधी को। ठीक है, हाँ जी, इंदिरा गांधी। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन किसको किसको बढ़ावा देने के लिए है? आपके एग प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है आता आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन भी शायद बहुत बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले ये देखो। इसमें आता है फल, ठीक है, इसमें आता है फल। फल में हम फ्रूट्स फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। फ्रूट्स में भी आपका कौन सा? तो वो है आपका एप्पल। ठीक है, आपका सेब। तो दिस इज द रिलेट दिस दिस रिवॉल्यूशन इज रिलेट टू द इंक्रीज इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, फल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंक्लूडेड फ्रूट्स प्रोडक्शन, स्पेशली एप्पल। ठीक है, हाँ जी, स्पेशली एप्पल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए या फिर एप्पल के प्रोडक्शन को हाई करने के लिए हमने गोल्डन रिवोल्यूशन शुरू किया है। तो एप्पल को जब आप खाना शुरू करते हो, जो जो बीच का सेक्शन होता है वो गोल्डन गोल्डन थोड़ा समझ में आता है ना, वो व्हाइट का, तो वो है आपका गोल्डन गोल्डन रिवोल्यूशन में एप्पल आएगा, और उसके बाद आएगा आपका हनी। ठीक है,
हनी। तो दो चीजें हमें गोल्डन रिवॉल्यूशन से याद करनी है, पहला एप्पल दूसरा हनी। ठीक है, हनी भी आप देखेंगे तो गोल्डन कलर आपको आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगला है आपका रेनबो रिवॉल्यूशन। ठीक है, रेनबो रिवॉल्यूशन कोई सुन भी तो नहीं रहा है यहाँ पर। पीसीआर सर, ये मैंने कितनी बार आवाज लगाई है, कोई है क्यों नहीं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे ना बच्चों की कनेक्ट, जो इंटरनेट कनेक्शन है वो लो हो रही है, और वीडियो भी ठीक से नहीं दिख रहे उनको। जल्दी करिए, दो सेकेंड यार रुक जाओ। हाँ, सबका पीडीएफ मिलता है। आज तक इतने इतनी सारी क्लासेस हो गई, पहली बार पूछ रहे हो क्या कि पीडीएफ कहाँ मिलता है? तो ये बच्चे क्यों मेरे को बोल रहे हैं? यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है और वीडियो भी नहीं जा रही ठीक से। ठीक है, अब एक चीज हो सकता है कि जहाँ पे बैठ के आप क्लास ले रहे हो वहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन लो हो, हर बात में यहाँ पे गलती नहीं होती है। क्या बताएं यार। हाँ, तो ये है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन में दो चीजों पे फोकस करना है, पहला है एप्पल दूसरा हनी। अगर बात करें रेनबो रिवॉल्यूशन की, रेनबो रिवॉल्यूशन नाम से थोड़ा सा साउंड करता है, इंद्रधनुष की बात करें तो ये इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। ठीक है, कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर में अगर आप देखें तो हमारे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग रिवॉल्यूशन है जो कि अलग अलग कलर को इंडिकेट करती हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, है ना? तो ऐसे ही सारे रिवॉल्यूशन का एक कंपाइलेशन होता है जिसे हम कहते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रेनबो रिवॉल्यूशन में सारे रिवॉल्यूशन इंक्लूड होते हैं, लाइक आपकी येलो, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू, रेड, पिंक, आपका ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है, आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन। सभी जितने भी रिवॉल्यूशन, उनको साथ लेकर के चलने के लिए, या फिर कह लें कि उनको एक कंपाइलेशन के थ्रू आगे ले जाने के लिए, कि सारे रिवॉल्यूशन एक साथ काम कर पाए, इसलिए हमने शुरू किया था आपके रेनबो रिवॉल्यूशन।
है, रेनबो रिवॉल्यूशन। आगे देखो, अगला जो रिवॉल्यूशन है वो है आपका एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम सदाबहार क्रांति कहते हैं। सदाबहार क्रांति, यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करनी है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने फोकस किया है सबसे पहले मिट्टी को उन्नत बनाना, मतलब कि इम्प्रूव द सॉइल ऑफ द क्या कहते हैं कंट्री। ठीक है, इम्प्रूव द सॉइल ऑफ द कंट्री मतलब कि सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना हमें हमारे देश में। ये पहला फोकस था एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का। दूसरा फोकस है किसानों को लोन दिलाना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लोन दिला दें, ऐसा कि ऐसे किसान जो कि खेती करना चाहते हैं, उनके पास जमीन भी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है खेती करने के लिए, तो ऐसे किसानों को लोन दिलाना कम से कम इंटरेस्ट पे, जिससे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब कि ग्रेन प्रोडक्शन को हाई कर सकें। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा खेती कर सकें, तो वो है आपका दूसरा फोकस। ठीक है, ये सारे एवरग्रीन रिवोल्यूशन में आएंगे। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो कृषि शोध है, कृषि शोध कैसे मतलब कि जो एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर में जो रिसर्च होती है ना, एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनको हाई करना। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें फोकस में रखनी है आपके एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में। पहला है टू इंक्रीज द सॉइल क्वालिटी। ठीक है, सॉइल क्वालिटी। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोवाइड लोन्स ऑफ नहीं टू फार्मर। ठीक है, फार्मर्स, तो फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए लोन दिलाना। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी होगा जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, और फोर्थ अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, फोर्थ होगा एग्रीकल्चरल रिसर्च को हाई करना। ठीक है, हाई करना, तो ये तीन चीज़ें होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे कि आप अपने घर की छतों पे जो पानी आता है बारिश का, उस पानी को इकट्ठा कहीं पे कर सकते हो, किसी गड्ढे पे, या फिर जो सोखता प्रणाली होती है ना, उनके थ्रू अपने ग्राउंड वाटर स्टोरेज में डायरेक्ट जो रेन वाटर होती है उसको पहुंचा सकते हो, है ना, तो ये आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखना। देन आता है आपका राउंड रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो इसमें केवल और केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, आलू। ठीक है, आलू, तो आलू के प्रोडक्शन को हाई करने के लिए शुरू किया गया था राउंड रिवॉल्यूशन। है ना, राउंड रिवॉल्यूशन, तो राउंड रिवॉल्यूशन में आलू के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, मतलब कि पोटैटोस इंक्रीज, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोस, तो आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आलू गोल गोल होते हैं वैसे आपका राउंड रिवॉल्यूशन भी है गोल गोल। है ना, उसके लिए हमने शुरू किया आपका राउंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखो, अगला है आपका ये सारी चीजें। तो अभी तक हमने कौन कौन से रिवॉल्यूशन पढ़े हैं, है ना, तो अभी तक हमने कौन कौन से रिवॉल्यूशन पढ़े हैं। अभी तक हमने अलग अलग रिवॉल्यूशन पढ़े हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। फटाफट बताओ, ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसका प्रोडक्शन हाई होता है, या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिलेशन किससे है।
एक काम करते हैं, ये पूरी क्लास तो खाली ये देखने मेरी चली गई, नेट इशू है, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, समझ नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। ये छोटी छोटी चीजें हमने KG 1 KG 2 में पढ़ी थी, हमें इस टाइम पे इतना एक्टिव होना चाहिए कि सिर्फ हमें रिवीजन पे फोकस करें, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, मैं दंग हूँ देख करके कि बच्चों का जो स्टडी लेवल है वो इतना नीचे है कि आज तक उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का नाम तक नहीं सुना, फार्मर नहीं पता क्या होते हैं, एग्रीकल्चर नहीं पता क्या होता है, मतलब इतना लो लेवल। या तो इसके दो कारण है कि सच में एजुकेशन लेवल हाई नीचे है, दूसरा कि आप लोग टारगेट करते हो कैसे भी करके क्लास खराब कर दें, है ना, हम तो पढ़ेंगे नहीं, आपको भी नहीं पढ़ने देंगे, समथिंग कुछ ऐसा। अब क्लास में देख रहे हो सारी चीजें बाइलिंगुअल है, इतनी खतरनाक हिंदी नहीं बोलती मैं कि लोगों को समझ में ना आए, या फिर आप इंग्लैंड में रहते हो, आप हिंदी बोलते नहीं हो, हिंदी लिखते भी नहीं हो, है ना। जिस बच्चे को दिक्कत होती है वो अंग्रेजी में अपना दिक्कत नहीं लिखता है, वो हिंदी में ही लिखेगा, लेकिन ये लिखेगा कि मैम अंग्रेजी में बोलो, हमको हिंदी समझ में नहीं आती है, भाई फिर तुम हिंदी लिखो ही मत, ये भी एक बड़ा इशू है मेरे साथ। तो ये चीजें ना बड़ी दिक्कत क्रिएट करती हैं मेरे को। अगर आपके मन में कहीं पे भी है कि हमको नहीं पढ़ना, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, क्लास ही मत आया करो, लिटरली क्लास में मत आया करो। दूसरी चीज, अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो मैंने चेक करवाया, यहाँ से मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है। अगली चीज, जो भी दिक्कत है एक बार ये सारे रिवॉल्यूशन की पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी, दोबारा जब कल दूसरे टॉपिक पे जाएंगे उससे पहले मैं हर एक चीज को दोबारा पढ़ा दूंगी, हम इसको तेजी से 10 से 15 मिनट में देखेंगे, देन दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय। कल से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय।